जूनियर कार्ड एटीएम टेस्ट, जैसे दोस्तों मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि जूनियर कार्ड का एटीएम टेस्ट करो, जूनियर कार्ड जो वर्क करता है कि नहीं एटीएम पे, मुझे पूछते हैं लोग। यही दिखाने वाला हूँ कि जूनियर कार्ड जो है वर्क करता है कि नहीं एटीएम पे। दोस्तों तो पूरा जो देखिएगा वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर बताता हूँ कि मैं तो दोस्तों गया था एटीएम पे, दोस्तों मैंने आधा वीडियो शूट कर भी लिया था कि देखने के लिए कि आखिर वर्क करता है कि नहीं एटीएम पे, आपको दिखाने के लिए दोस्तों। लेकिन जो गार्ड वहाँ पे रहता है दोस्तों, उसने मुझे बोला कि जो वीडियो है उसको और आगे रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब। और जो दोस्तों मैंने थोड़ा और वीडियो जो आप रिकॉर्ड किया हुआ था आधा, वो उसको मैंने डिलीट मुझे वो डिलीट करना पड़ा वहीं पर, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत क्लिप वगैरह दिखा रहा था वीडियो को। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो में फिलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन दोस्तों मैंने टेस्ट वगैरह कर लिया है, मैंने खुद वहाँ पे वर्क टेस्ट किया पैसा वगैरह ऐड करके। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, जूनियर कार्ड जो वर्क नहीं करता है एटीएम पे। जी दोस्तों मैंने खुद ट्राई किया है, लास्ट में अब सब कुछ हो जाएगा, लास्ट में आपको लिखेगा ट्रांजेक्शन डिक्लाइन। मैंने एसबीआई का जो एटीएम था, क्योंकि मैंने पिछले बार किया था फैमपे वाला कार्ड को टेस्ट किया था, उसी का वही एटीएम पे मैंने ट्राई किया जूनियर कार्ड के भी, और सब कुछ लास्ट लास्ट हो गया था। मैंने 500 रुपया निकालने की कोशिश किया था, लेकिन दोस्तों लास्ट में लिखा ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड, और कुछ क्लियर वगैरह नहीं लिखा, बस ऐसे लिखा ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड लास्ट में लिखा, बस सब कुछ खत्म हो गया। तो वर्क नहीं किया एटीएम। दोस्तों मैं आपको दिखाता है, स्क्रीन शॉट भी देख सकते हो दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये लिखा हुआ है जूनियर जो ऐप, हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जूनियर, वहीं पर लिखा हुआ है हेल्प सेक्शन में, आप पढ़ सकते जाए तो। और एटीएम पे वर्क कराना है किसी कार्ड को, तो आपको फुल केवाईसी कराना पड़ेगा अपना, और फुल केवाईसी में आधार कार्ड वगैरह सब कुछ जरूर जरूर पड़ता है आपका खुद का। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे तो आप अपने पेरेंट का एक पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं, दोस्तों ये तो फुल केवाईसी नहीं हुआ, इसलिए फिलहाल इसके हिसाब से भी जूनियर कार्ड जो है वो वर्क नहीं करता सर है। बात एटीएम करता हूँ कि यूपीआई फैसिलिटी जो है, यूपीआई फीचर जो है वो कब आएगा जूनियर में दोस्तों, तो बहुत लोग ये भी मुझे पूछते हैं कि यूपीआई फीचर कब आ रहा है जूनियर में। तो दोस्तों यूपीआई फीचर जो है बहुत जल्द आ रहा है, अभी चल रहा है जून 2021। तो दोस्तों जून मतलब इसी मंथ आने वाला यूपीआई फीचर, बहुत देखते हैं कब आता है, मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप लोग भी वेट कर ही रहे हो कि आ जाए यूपीआई फीचर जूनियर में, तो देखते हैं कब तक आता है यूपीआई का फीचर, क्योंकि बहुत अच्छा फीचर होता है। जून 2021 में यानी इसी मंथ आने वाला यूपीआई का फीचर जूनियर में। और दोस्तों यही तक कम्प्लीट वीडियो, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दिए वीडियो को दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिए वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए दोस्तों। यहीं पर एंड करते हैं वीडियो।